Today, we are going to start with module number 3. It is something very interesting and simple also. It's how to create GUI, that is graphical user interface, using Python. I hope you all are aware with GUI. If you don't, then see, like this window you can see right now. If I'm going to save this window, say like this, so this kind of thing is going to appear. This is a some different window which is having save as option. So this is scroll bar, this save button, this cancel button, this is a combo box. In the same way, we have some radio buttons, check button, label, that is called as title. So such kind of stuffs we are having. So how we can create this kind of window? Not only window, but these all widgets also through Python, that we have to learn. So this is just a basic example of a graphical user interface, GUI. So for that, we are going to use tick enter. So we have to write first of all tick enter, import tick enter. So import tick enter. Now the thing is, you will be thinking ki what is this tick enter is. So it's simple, I can tell you that, but I can show you and then I will explain so you will better understand it. Tick enter is a Python binding to TKGUI toolkit. It is standard Python interface to TKGUI toolkit. Matlab kya hai? What is the meaning of that? To create GUI using Python, this is a toolkit that will help to create the GUI using Python. So we have to import this. So import tick enter we have written. Then one more thing we have to write, from tick enter import star. So tick enter mein बहुत सारे चीजें होती है, जैसे कि हमें बेसिकली कुछ विजेट्स क्रिएट करने हैं, लाइक कोई लेबल क्रिएट करना है, चेक बटन क्रिएट करना है, रेडियो बटन क्रिएट करना है. सो जो जनरल जो ये सारे विजेट्स है उसको इंपोर्ट करने के लिए हम लोग ये लाइन लिख सकते हैं, फ्रॉम टिक एंटर इंपोर्ट स्टार. ठीक है, कुछ स्पेसिफिक जो रहता है जैसे कि कॉम्बो बॉक्स है वो इसके अंदर नहीं आता है, तो उसके लिए हमें अलग लाइन लिखनी पड़ेगी. इसके अलावा एक और लाइन ऐड करना पड़ेगा कॉम्बो बॉक्स के लिए. सारी चीजें क्या है हम लोग देखते हैं. तो बेसिकली ये लाइन हो गई इंपोर्ट टिक एंटर और टूल किट को इंपोर्ट करने के लिए, और उसमें से जो विजेट्स हमें यूज करने हैं, जो क्रिएट करने हैं, उसके लिए हमें लाइन लिखनी पड़ती है फ्रॉम टिक एंटर इंपोर्ट स्टार. ठीक है, अभी जैसे कि मुझे एक बेसिक विंडो क्रिएट करना है, जीयूआई विंडो क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, विंडो इज इक्वल टू टिक एंटर डॉट टीके. ठीक है, सेव किया. अभी देखो यहां से हमारा प्रोग्राम एक्चुअल में स्टार्ट हो रहा है, विंडो इज इक्वल टू टिक एंटर डॉट टीके. अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये देखो छोटा सा विंडो क्रिएट हो गया. ये क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का छोटा सा विंडो क्रिएट किया हम लोगों ने. करने के लिए क्या करना पड़ा हमें, कुछ भी नहीं, विंडो इज इक्वल टू टिक एंटर डॉट टीके. टीके टूल किट होता है जिसके थ्रू कि हम लोग ये डिफरेंट विजेट्स क्रिएट करते हैं. तो टिक एंटर का एक पार्ट है टीके, जिसके थ्रू हम लोग ये विजेट्स जो भी ऐसे कि विंडो क्रिएट किया, बटन्स क्रिएट कर रहे हैं वगैरह वगैरह. ठीक है, अगर मुझे सपोज ये जो विंडो क्रिएट किया है इसका मुझे एक स्पेसिफिक साइज देना है इसको, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा विंडो डॉट ज्योमेट्री 1200 this 1200 this into
1000, जो भी एक साइज आप लेना चाहते हो, डायमेंशन लेना चाहते हो, ले सकते हो। तो ये इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा, ठीक है। अगर आप उसको चेंज करते हो, तो साइज उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। सो व्हाट इज एक्स? व्हाट इज एक्स? सो यू नो दिस, दिस इज something y and this is something x। ये आप लोगों को मालूम है, बेसिक जो रहता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से, उसका डायमेंशन के हिसाब से वो क्रिएट होता है विंडो, ठीक है। तो पहली चीज जो बस सीखी हम लोगों ने, एक बेसिक सा चीज सीखा कि GUI क्रिएट करने के लिए पहले जो विंडो कैसे क्रिएट किया जाता है, तो विंडो इज इक्वल टू टिक एंटर डॉट टीके। बाद में उसका अगर डायमेंशन चेंज करना है, हमें अपने हिसाब से कोई डायमेंशन देनी है उसको, तो हम लोग विंडो डॉट ज्योमेट्री ब्रैकेट में कोट में 800x800 या जो भी डायमेंशन देना है वो डायमेंशन हम लोग दे सकते हैं। और वो डायमेंशन जो होता है हमेशा वेरिएबल रहता है, क्योंकि इसको हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं, बट इनिशियली हमें वैसा करना पड़ता है। जैसे कि ये विंडो जो अभी ओपन हुआ, ये भी एक GUI है, इसका मतलब क्या फिक्स है क्या? लेकिन जब आप इनिशियली ओपन करते हो तो ऐसा ओपन होता है, बट इसका साइज चेंज करना है तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक चेंज नहीं कर सकते, बट जब आप इनिशियली जब ओपन करते हो तो ऐसा होता है। तो वैसे ही डिफॉल्ट सेटिंग जो होगी उसकी, वो ऐसी होगी, बाद में आप उसको फुल स्क्रीन पे लेके आ सकते हो, ठीक है। तो ये पहला चीज जो हम लोगों ने देखा कि विंडो कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अभी इस विंडो को अगर हमें कोई नाम देना है तो नाम कैसे देंगे? तो नाम देने के लिए सपोज हेडिंग है तो कोई भी वेरिएबल नाम ले लेंगे, हेड ले लेंगे। हेड मतलब आप XYZ भी ले सकते हो, LABEL लेबल, विंडो कॉमा वैल्यू इज इक्वल टू माय फर्स्ट GUI। ये टेक्स्ट आएगा, वैल्यू नहीं आता यहाँ पे। नाउ हेड डॉट पैक ये डालना पड़ता है, ठीक है। इससे क्या होगा, तो यहाँ पे उसको माय फर्स्ट GUI ऐसा लिखा हुआ आ गया। आप जो भी लिखोगे, ये जो लाइन है ये लेवल क्रिएट कर रहा है, बट उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ये वाली लाइन देनी पड़ती है। थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छा समझ में आएगा। हेड मतलब क्यों, तो आप इसको कुछ और नाम दे दो, सपोज Lab 1 दे दिया आपने, इनकेस तो ऐसा आ गया, Lab 1 इज इक्वल टू लेबल विंडो कॉमा टेक्स इज इक्वल टू माई फर्स्ट GUI। तो कहने का मतलब, अभी मैंने अगर ये लाइन हटा ली यहां से तो क्या होगा, सेव करेंगे नहीं आ रहा, भले हम लोगों ने ये लाइन लिखी है। तो इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें ये डालना पड़ता है माई फर्स्ट GUI आ जाएगा। फिर आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, जो आप चीज यहाँ पे लिखोगे वो। ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, लाइन इंडिकेट कर रही है कि एक लेवल डालो, उसको लेवल मतलब हेडिंग जिसको आप बोल सकते हो, एक लेवल डालो किसको, विंडो में, और वहां पे उसका लेवल का टेक्स्ट क्या लिखना है, माय फर्स्ट GUI। तो आप यहाँ पे जो भी लिखोगे वो आपको उसमें लिखा हुआ आएगा, और बाद में lab1.pack डाला तो ये एग्जीक्यूट हो जाता है ऊपर वाली लाइन।
दो चीज सीखी हम लोगों ने। पहली चीज सीखी हम लोगों ने कि विंडो कैसे क्रिएट किया जाता है, और दूसरा चीज सीखा उस विंडो को लेवल कैसे दिया जाता है। ये दोनों चीज क्लियर है कि आप लोगों को? हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI पाइथन के थ्रू कैसे क्रिएट किया जाता है। तो पूरा GUI बनाने के लिए, जैसे कि इस टाइप का अगर विंडो आपको बनाना है, तो आपको उसके अंदर ये स्क्रॉल जो है, जब ये आ नहीं रहा, जब ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल आएगा, वो भी आना चाहिए। ये पूरी विंडो आनी चाहिए, उसमें जो नाम लिखे हुए हैं वो सब आना चाहिए। तो ये सारी चीजें आने के लिए एक एक चीज हम लोग देख रहे हैं। ये पूरा विंडो, एक जनरल विंडो कैसे क्रिएट किया वो समझ में आया, उस पर एक नाम लिखा है तो कैसे लिखा वो समझ में आया। जैसे थॉनी लिखा हुआ है तो वैसे माई फर्स्ट GUI लिखा हुआ है। और आगे जाते हैं हम लोग, अभी और क्या क्या देखते हैं उसके अंदर। तो नेक्स्ट चीज जो है, अभी तक हमारे इस विंडो के अंदर क्या क्या आया हुआ है, तो एक विंडो आया हुआ है और उसमें खाली एक लेवल आया हुआ है, ठीक है। एक बटन अगर क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए सपोज एक वेरिएबल लेना है जहां पे कि वो स्टोर होता है, चेक वन दैट इज इक्वल टू चेक बटन विंडो टेक्स्ट। एक बटन है ना, उसका नाम क्या होगा? तो PYTHN पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। बाद में चेक वन डॉट पैक, यहाँ पे देखो ये चेकबॉक्स आ गया है यहाँ पे, ऐसा पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये चेकबॉक्स इस वजह से क्रिएट किया जाता है। अब भी अगर आप ऐसा सोच रहे हो, एक और चेकबॉक्स क्रिएट करता हूं मैं, इसको कॉपी करूं, ये टाइप करता हूं, चलो चेक टू इज इक्वल टू, जिस हिसाब से सिंटेक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक टू वेरिएबल है, चेक वन वेरिएबल है, तो उसको आप कुछ भी नाम दो चलेगा, बट जब चेक बटन ले रहे हो मतलब वो चेक बटन क्रिएट करेगा, तो उसमें कैपिटल सी होना जरूरी है। चेक बटन विंडो टेक्स्ट इज इक्वल टू जावा चेक टू डॉट पैक, इसको देखते हैं हम लोग। तो जावा प्रोग्रामिंग आ गया, ठीक है। अभी अगर सपोज आपको इसका लोकेशन थोड़ा सा शिफ्ट करना है, क्योंकि क्या लग रहा है, ये माय फर्स्ट GUI उसके तुरंत नीचे, थोड़ा सा आपको थोड़ा शिफ्ट करना है, मतलब उसको ऊपर नीचे करना है, इधर लेफ्ट राइट करना है कुछ तो भी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे जो पैक दिया है, पैक दिया है, उसके जगह पे प्लेस देना पड़ेगा, प्लेस, और उसमें उसका डायमेंशन दे देना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 500, y इज इक्वल टू 400, ठीक है। शायद से इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ी तो हम डाल देंगे उसमें, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी डालते हैं, बट थोड़ा सा चेंज करेंगे उसको। एक्स मतलब जो है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम रखेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस चेंज करेंगे 600। पाइथन इधर आ गया, अच्छा यहाँ पे पैक रहने दिया हम लोगों ने, यहाँ पे प्लेस करना है। तो ये भी आ गया, ठीक है। उस वजह से आप इसको चाहो तो कैसे भी शिफ्ट कर, थोड़ा ऊपर ले लेंगे उसको, इधर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, ऊपर मतलब ये वाई है, दिस इज वाई डिस्टेंस, सो वाई डिस्टेंस कम करेंगे हम लोग। So y distance कम करने के लिए से I'll put it 100
and here I am going to put 150. तो नाउ इट इज लुकिंग समवट ओके, क्योंकि बाद में अगर हमें यहाँ पे कुछ डालना पड़ा तो वो भी हम लोग डाल सकते हैं. ठीक है, दीज आर चेक बॉक्स. आई होप यू नो व्हाट इज चेक बॉक्स. ठीक है, तो चेक बॉक्स हो गया. तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, विंडो कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें लेवल कैसे डालते हैं, और एक चेक बॉक्स चेक बटन कैसे क्रिएट करना है. अगेन आई विल रिपीट, फॉर राइटिंग दिस चेक बटन, फॉर राइटिंग दिस लेवल, द इनिशियल अल्फाबेट शुड बी ऑलवेज कैपिटल, ऑलवेज कैपिटल. यस, वेयर एज दीज आर लाइक वेरिएबल्स. जैसे कि हम लोग अलॉट करते हैं एक्स इज इक्वल टू टू, तो वहां पे आप एक्स की जगह पे वाई लिखोगे तो भी चलेगा. तो वैसे ही दीज आर वेरिएबल्स, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिखो चलेगा, बट मेक श्योर कि यहाँ पे जो चीज लिख रहे हो वही चीज यहाँ पे भी आनी चाहिए. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे चेक टू लिखा हुआ है तो वैसा का वैसा ही चेक टू यहाँ पे भी आना चाहिए. ठीक है, थर्ड पार्ट जो मैंने आपको बताया अभी, जो कि चेक बटन से रिलेटेड था, उसको मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. अगर मुझे उसका प्लेस नहीं देखना है, उसको एक स्पेसिफिक पोजिशन पे नहीं चाहिए, इन दैट केस दिस शुड बी पैक, लाइक सिंपल पैक, चेक वन डॉट पैक. Yes, check one dot pack like this. But if I want कि उसको एक specific position पे डालना है मुझे, then वहां पे pack को हमें place से replace करना पड़ेगा and वहां पे उसके x position and y position डालनी पड़ेगी. x position अगर suppose मैंने 400 रखा, y position 100 रखा. अगेन देयर इज सम डिफरेंस. ओके, यहां पैक के रखा, उसको प्लेस करना पड़ेगा. सो इन दिस वे यू कैन डू. सो वी हैव सीन थ्री थिंग्स, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द फोर्थ थिंग. रेडियो बटन कैसे क्रिएट करते हैं, रेडियो बटन. करण, कैन यू टेल मी नाउ क्या आएगा रेडियो बटन के लिए? करण, चेक थ्री इज इक्वल टू रेडियो बटन. हाँ बस ठीक है, तो इतना ही. जैसे यहां चेक बटन था तो वहां पे रेडियो बटन आ जाएगा. हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल भी दूसरा डाल देंगे. तो अभी हम लोग चेक रेडियो बटन क्रिएट कर रहे हैं. रेडियो बटन क्रिएट कर, अभी देखो यहाँ पे, देखो ये स्क्रॉल ये आ गया ना. सो आर वन इज इक्वल टू रेडियो बटन, ऐसा किया, विंडो टेक्स्ट इज इक्वल टू वैल्यू आना चाहिए, टेक्स्ट आना चाहिए, देख लेते हैं. हम लोग रेडियो बटन का नाम आ गया मेल, सॉरी आर वन डॉट पैक के रखते इनिशियली, बाद में देखते हैं हम लोग क्या आता है. फिर वैसे ही आप आर टू आर थ्री भी कर सकते हो. तीन रेडियो बटन क्रिएट करेंगे हम लोग. यहाँ पे आर टू आ जाएगा, यहाँ पे आर टू आ जाएगा, यहाँ पे ईमेल आ गया, ईमेल. वैसे ही हम लोग वी कैन क्रिएट आर थ्री ऑल्सो. आर थ्री यहां पे ट्रांसजेंडर आ जाएगा. ट्रांसजेंडर ठीक है. अभी देखते हैं हम लोग क्या क्रिएट होता है. ये ऊपर में आ गया ठीक है. तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लेस से रिप्लेस करेंगे अभी. ठीक है, प्लेस से रिप्लेस करेंगे हम लोग. क्या होगा प्लेस में, यहां पे
एक्स 400 है, ठीक है। इसको मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको। तो एक्स मतलब उसका जो ये डिस्टेंस था, यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो, तो हम लोग क्या करते हैं कि चेक बटन के नीचे ही एग्जैक्टली रेडियो बटन आना चाहिए। तो एक्स डिस्टेंस सेम रखते हैं, बट वाई भी अगर सेम रखा हम लोगों ने, ये डिस्टेंस भी अगर सेम रखी उसकी, तब क्या होगा, वो जहां पाइथन प्रोग्रामिंग है वहां पे ही ये मेल फीमेल ट्रांसजेंडर आ जाएगा। तो हम लोग इस वजह से करना है कि उसी लाइन में चेक बटन के नीचे आना चाहिए। तो हम लोग वाई चेंज करेंगे, एक्स सेम रखेंगे। यहां पे एक्स सेम रखा, वाई चेंज कर देंगे। ये 350 कर देते हैं। यहां पे फिर प्लेस आएगा एंड इस वजह से ये आपका ये बटन क्रिएट हो गए, ठीक है। दिस इज योर रेडियो बटन। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक वन थिंग वैल्यू। नहीं, ये नहीं। मतलब क्या होता है कि अगर आपने उसमें वैल्यू डाल के रखा एक, तो होता क्या है, इसमें से जैसे कि मेल है बाय डिफॉल्ट, तो फीमेल और ट्रांसजेंडर नहीं होगा। और अगर वो मेल नहीं है तो फीमेल और ट्रांसजेंडर में से कोई एक रहेगा, तो इस वजह से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। कोई एक ही ऑप्शन रहेगा ना, तो दो ऑप्शन में से हट जाता है, इसीलिए किसी भी एक में या तो तीनों में वैल्यू डाल के रखने की। इसमें अगर वैल्यू नहीं डाल के रखते हो, जैसे कि मैंने डाल के नहीं रखा तो तीनों में पहले से ही करते हैं और इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। देखो, उसी के लिए वैल्यू डाल के रखना है इसके अंदर, ऐसा करके देखते हैं क्या होता है। अच्छा, तो तीनों में वैल्यू डाल के रखेंगे, इससे होगा क्या कि वो इनिशियली दो को एक एम्प्टी रखेगा और दो फिल करके रखेगा बाय डिफॉल्ट कंडीशन में, और जिस हिसाब से हम लोग उसमें फिल करेंगे वैसे करके वो चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से वैल्यू डाल के रखेंगे। अभी क्या हो रहा है, मेल उसने सेलेक्ट नहीं किया है, फीमेल या ट्रांसजेंडर किया, अभी तीनों किया हुआ है। अभी देखो क्या होता है, अगर मैंने ट्रांसजेंडर किया तो ट्रांसजेंडर है, मेल फीमेल नहीं है। अगर मैंने फीमेल किया तो फीमेल है, मेल ट्रांसजेंडर नहीं है। अगर मैंने मेल किया तो मेल है, फीमेल ट्रांसजेंडर नहीं है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ रेडियो बटन, क्योंकि तीनों में से एक ऑप्शन, दैट इज रेडियो बटन। चेक बटन में क्या होता है कि आप पाइथन भी चूज करना चाहते हो, आप जावा स्क्रिप्ट भी चूज करना चाहते हो, जावा प्रोग्रामिंग भी चूज करना चाहते हो, तो दैट इज चेक बटन। ऑप्शन में टिक करना है आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए आपको, दैट इज चेक बटन। इज दैट क्लियर? रेडियो बटन का क्लियर हुआ आपको? खाली एक ही चीज करना है यहाँ पे, वैल्यू डालना है, जो कि इसमें नहीं था यहाँ पे था वो, बाकी सब सिंटेक्स सेम ही है। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ टुडे सेशन, दैट इज कॉम्बो बॉक्स, दैट वी विल सी। ओके फाइन।
सी दिस इज जीवा इज वेरी वेरी सिंपल, बट होता क्या है इसमें, जब आप बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें सीख लेंगे, अभी छोटी छोटी चीजें सीख रहे हैं, चेक बटन, रेडियो बटन, ये सब ये इजी जा रहा है आपको, बट आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आपको याद रहे। नहीं भी रहता है तो भी आप इनिशियल लेवल पे थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट आई सजेस्ट कि जैसा कि आप लोगों ने सेकंड मॉड्यूल में किया था, वहाँ पे बहुत भयंकर लाइन के कोड्स थे और बहुत सारी चीजें थी, यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट मत करो, यहाँ पे आप खुद से करो, ताकि क्या होगा, टाइप करोगे तो आपको समझ में आता जाएगा। आगे जाके यही विंडो पे जो चीज हम लोगों को उस पे आ रहा था, यहाँ से हम लोग रन कर रहे थे और माई एसक्यूएल सर्वर पे उसका डेटा अपलोड हो रहा था, वैसे ही हम लोग यहाँ से ही किराना स्टोर क्विज करेंगे, और वो क्विज आपका इस विंडो पे भी आएगा, दिखेगा आपको, और आपको सर्वर पे भी दिखेगा, ठीक है? क्योंकि जब आप शॉप में जाते हो बिग बाजार में, वहां पे आपको डायरेक्टली यही विंडो दिखता है, और इसी विंडो पे फिर वो आपको यहाँ पे लिखा होगा लेवल, और यहाँ पे फिर वो टिक करता है, आपको ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, यहाँ पे फिर वो टोटलिंग होती है, उसका सम होता है, तो वो सब चीजें जो होती है वो आपको इसी विंडो पे दिखता है, आपको सर्वर पे नहीं दिखता है वो। तो वो फ्रंट एंड का जो है, हमें ये विंडो क्रिएट करना है जीयूआई, दैट इज आवर मेन इंटेंशन। तो उसके लिए हमें छोटे छोटे मॉड्यूल्स इनिशियल लेवल पे सीखने हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो आता है वो आता है कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स क्या है, देखो जब आप सेव एज करते हो इसको, तो यहाँ पे आपको ये जो स्क्रॉल करके यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं, तो इस टाइप को हमें कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेटा इज इक्वल टू वन टू फोर फाइव, मतलब वो स्क्रॉल कर किया मैंने, तो वहां पे तीन ऑप्शन आ रहे थे, मुझे पांच ऑप्शन चाहिए, और उस ऑप्शन में क्या लिखा होगा, जैसे कि इसके अंदर सेव एज करके, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इस ऑप्शन में, यहाँ पे पाइथन फाइल लिखा है, टेक्स्ट फाइल लिखा है, ऑल फाइल लिखा हुआ है, तो वैसे ही जो मेरा कॉम्बो बॉक्स क्रिएट होगा उसके अंदर स्क्रॉल करने पे पांच आइटम होंगे, और उन पांच आइटम के नाम क्या होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। सीडी इज इक्वल टू कॉम्बो बॉक्स विंडो टेक्स्ट इज इक्वल टू डेटा, सीडी डॉट पैक, शायद से एरर नहीं आना चाहिए, देखते हैं हम लोग, एरर आया, मतलब कोई पे सिंटेक्स एरर है, कॉम्बो बॉक्स इज नॉट डिफाइंड। यस, क्या होता है, अभी तक ये जो ऊपर में जितने भी हम लोगों ने विजेट्स पढ़े हैं, रेडियो बटन, चेक बटन, दीज ऑल आर कॉल्ड एज विजेट्स, ठीक है, WIDGET, आई डोंट नो हाउ विल यू प्रोनंशिएट दिस, कैसे प्रोनंशिएट करोगे इसको, प्रोनाउंसिएशन को भी आप लिख के बता रहे हो क्या, ओके फाइन, मेरे को लगा ठीक है विजेट्स, ठीक है। ये हो गया, अभी इसके लिए ये इसमें जो होता है ना, इसके अंदर नहीं आता है वो, तो उसके लिए हमें एक अलग से लाइन, कॉम्बो बॉक्स के लिए अलग से एक लाइन लिखनी पड़ती है, एंड दैट लाइन इज फ्रॉम टिक एंटर डॉट टीटीके इम्पोर्ट कॉम्बो बॉक्स, तो हम लोगों ने कॉम्बो बॉक्स को इम्पोर्ट कर लिया है, ठीक है। अभी देखो, अभी अगर मैं रन करूंगा तो ये ऊपर में आ गया कॉम्बो बॉक्स, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ, उप्स, इसमें नहीं आ रहा ऑप्शन में, क्यों नहीं आ रहा है भाई, जरा देख लेंगे, सीडी या डेटा पैक आएगा, लेट मी चेक,
डेटा आया, वैल्यूज लिखी हुई है। अच्छा, मैंने क्या टेक्स्ट लिखा उसके अंदर, ठीक है। वैल्यूज वैल्यूज आ गई, अभी 1 2 3 4 5। आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे कि आपको आइटम में क्या क्या चाहिए, बिस्किट, और क्या चाहिए, सूप, शैम्पू, चॉकलेट ही चॉकलेट जो भी है, आइसक्रीम, आइसक्रीम, तो ये आ जाता है। फिर उसके हिसाब से आप उसको सेलेक्ट कर लो, बाद में मूव अहेड, आगे जाओ। तो ये भी एक ऑप्शन है ऐसा। या इसमें आप ऐसा दे सकते हो कि ग्रोसरी आइटम, ठीक है, ग्रोसरी आइटम, देन क्या बोलते हैं उसको, बाकी जो भी है लाइक मेडिकल, या तीसरा क्लीनिंग, जो भी है, मतलब इस हिसाब से होगा। जैसे ही आप ग्रोसरी पे करोगे तो नीचे ग्रोसरीज के जो भी ऑप्शन होंगे, उस जो 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 सामान होंगे वो ये ऐसे खुल जाएंगे। फिर तो उसमें से आपको जो सेलेक्ट कर रहे हो वो लिख लो, उसमें आगे आके क्वांटिटीज भी ऐड कर सकते हो, उसका कॉस्ट भी दिखेगा, ठीक है। बेसिकली दिस इज द वे टू क्रिएट द कॉम्बो बॉक्स, ठीक है। उसका लोकेशन जो है डायमेंशंस के लिए, फिर वापस से आप प्लेस, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लेफ्ट साइड में रखता हूँ। तो लेफ्ट साइड में करने के लिए मुझे ये चेंज करेंगे, एक्स के डायमेंशंस, वाई के डायमेंशंस मैं सेंटर में रखता हूँ, मतलब 300 के आसपास या 200 के आसपास, 250 रखेंगे। थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं इसको, तो इधर शिफ्ट किया, तो मतलब आपके हिसाब से कर सकते हो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, बट 100, तो ऐसा हो गया। चाहिए तो इधर भी रख सकते हो ऊपर में, जैसा भी आपको लगे वैसा ऊपर में करना हो। अच्छा ठीक है, या इस पे क्लिक करने के बाद इसको टिक करना है तो इसको इधर शिफ्ट कर देते थोड़ा सा, तो वापस से 400 कर देंगे इसको, अगर राइट साइड में रखना है तो ऐसा आ गया। इन दोनों की डिस्टेंस कम करनी है पाइथन प्रोग्रामिंग एंड जावा का, तो तो वी हैव क्रिएटेड दिस विंडो, वी हैव सेट दिस लेवल, वी हैव सेट दिस चेक बटन, then we have created a radio button, then we have created this combo box. I guess you have understood this. Yes or no? Yes, sir. Yes. Now the thing is, आपको डिफरेंशिएट होना चाहिए, इसीलिए जब एक विजेट के दूसरे विजेट के बीच में मैंने गैप रखा है, जैसे यहाँ पे एक खत्म होता है हमारा, बाद में दूसरा खत्म होता है, फिर तीसरा खत्म होता है, चौथा खत्म होता है, ऐसा करके, तो आपको ये समझ में आता जाएगा। बेसिकली थोड़ा सा बता के मैं प्रैक्टिकल पे चला जाता हूँ। आप अगर इसको गूगल करोगे, इनपुट टेक एंटर, ये इसको आप पढ़ो तो आपको इजिली समझ में आता है क्या है, डिटेल में, अगर बहुत ज्यादा डिटेल में जाना है आपको तो। बट मेन जो है लाइब्रेरी हमारी, टूल किट ये है, उसके अंदर ये टीके टेक एंटर जो होता है, दैट इज शॉर्ट फॉर्म। तो टीके जो होता है, इट्स लाइक वही टिक इंटर जो हो गया, एक लाइब्रेरी बोल सकते हैं हम लोग, और ये प्लेटफॉर्म है, टूल है, जिसके थ्रू हम लोग जीयूआई को क्रिएट करते हैं। और टीटीके जो है न्यू वर्जन है उसका, इसमें कि 8.5 के बाद के जो वर्जन में हम लोग ये करते हैं, इसमें कि आपको कॉम्बो बॉक्स की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उस वजह से है वो, यू कैन गूगल इट, दीज लाइन्स, दीज थ्री लाइन्स, यू विल गेट टू नो।
कॉम्बो बॉक्स के लिए हमें इसकी जरूरत है लाइन की, अदरवाइज नहीं।